दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में कई खतरनाक जानवरों की तरह कीड़ों की भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो हमें इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक कीड़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखते ही आपको अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। नंबर एक, सैडल बैक कैटरपिलर। दोस्तों आप जरा इस कैटरपिलर को देखिए, दिखने में ये कितना सुंदर है, लेकिन अगर आप इसे अपने हाथों से उठाने का सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि इसके ऊपर लगे कुछ कांटे बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। दरअसल ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसे खाने वाले पक्षियों को भी मौत के घाट उतारने में 10 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगता, और अगर कोई इंसान गलती से भी इसे अपने हाथों से उठा ले तो उसके हाथों में सूजन या लाल निशान आ जाते हैं। नंबर दो, वेलवेट आंट। ये जो आप छोटी सी चींटी देख रहे हैं, अगर आपको ये कहीं पर भी दिखे तो दूर भाग जाइए, क्योंकि ये बड़े बड़े जानवरों को अपने डंक का उपयोग कर मार देती है, जिससे आप इसके अंदर पाए जाने वाले जहर का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। इसके ऊपर की स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और दिखने में ये लगभग लाल या ब्राउन रंग के वेलवेट की तरह ही होती है, इसी कारण इसका नाम वेलवेट आंट पड़ा है। नंबर तीन, मोनार्च बटरफ्लाई। इस बटरफ्लाई को देखने के बाद आप में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे तो मैंने आज ही अपने हाथों से पकड़ा था, पर क्या ये जहरीली होती है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, मोनार्च बटरफ्लाई जहरीली होती है, क्योंकि ये तितलियाँ यूफोबिया नाम के जहरीले फूलों का रस पीती है, पर इंसान इन तितलियों को खाते थोड़ी है, इसलिए ये सिर्फ उन पक्षियों के लिए ही खतरनाक होती है जो इन्हें खाते हैं। नंबर चार, ड्राइवर आंट। दोस्तों अफ्रीका अभी भी थोड़ा बाकी देशों से इलिटरेसी के मामले में पीछे है, और वहाँ के कुछ गांव में अभी तक मॉडर्न मेडिसिन नहीं पहुँची है, तो वहाँ के लोग अपने गांव पर एंटीसेप्टिक की जगह एक तरह की चींटी का डंक का उपयोग करते हैं। और वहीं अफ्रीका में एक और चींटियों की प्रजाति भी पाई जाती है जो है ड्राइवर आंट, और ये ड्राइवर आंट इंसान की मौत का कारण तो नहीं बन सकती, लेकिन इंसान को बहुत ज्यादा दर्द जरूर दे सकती है जो किसी भी इंसान के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर पाँच, डॉग टिक। दोस्तों डॉग टिक जो कि दिखने में काफी ज्यादा बेकार नजर आते हैं, आपको इन्हें देखकर तो वैसे भी इन्हें छूने की इच्छा नहीं होगी। ये घरों में नहीं पाए जाते, लेकिन आपके पालतू जानवर जैसे कि गाय और कुत्तों में अक्सर दिखने को मिल जाते हैं, और वैसे ये जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका विनोम बहुत ही जहरीला होता है जो कि आपको 5 से 7 दिन के बेड रेस्ट जरूर दे सकता है, यानी कि आपको बहुत ही बीमार कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।